में अगला सवाल है मोहम्मद सादिक साहब कराची से। कुर्बानी के जानवर के दांत दो हों लेकिन थोड़े ही निकले हों, यानी कुछ ही दिन पहले निकले हों, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी हो जाएगी? ये कुर्बानी के मामले में काफ़ी लोगों को इश्काल होता रहता है, क्योंकि दोंदा का लफ्ज़ सुनते हैं मुसिन्ना, तो फिर वो कहते हैं कि शायद उसके दो दांत ही होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, शरीयत में कुर्बानी के जानवर का जो मदार है उसकी उम्र पर है, दांतों पर नहीं है। दांत एक अलामत है, अगर उसकी उम्र पूरी है, यानी बकरी है बकरा है उसका एक कमरी साल मुकम्मल हो चुका है, अब उसके दांत दो हैं एक हैं निकले हैं नहीं निकले, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा उसकी कुर्बानी जायज़ है। इसी तरह गाय भैंस है 2 साल, ऊँट है 5 साल, तो असल मदार उम्र पर है। तो उम्र का यकीन हो कि उसकी उम्र पूरी है तो उसकी कुर्बानी ठीक है। बाकी दांत एक अलामत है, उमूमी तौर पर यही होता है, लेकिन अगर कभी ये अलामत ना भी पाई जाए तो मसले का मदार अलामत पर नहीं है बल्कि असल हुक्म पर है और वो